बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। वेलकम टू लेक्चर 1 वीक 3। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग। सो व्हाट इज़ सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल वी यूज टू हेल्प अस फाइंड आउट व्हाट इज़ लेफ्ट। यानी कि आप सब्ट्रैक्शन क्यों करते हो कि आपके पास कितने लेफ्ट रह जाएंगे, ठीक है, कितने बच जाएंगे आपके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 5 बैलून्स हैं, ठीक है, और उसमें से 2 बैलून्स आपने अपने फ्रेंड को दे दिए। हाउ मैनी लेफ्ट आपके पास? अब कितने लेफ्ट हो जाएंगे? 3 लेफ्ट हो जाएंगे, मतलब आपके पास 3 रह जाएंगे। अब दिस साइन इज़ रीड एज माइनस, इट मीन्स टू सब्ट्रैक्ट। यानी ये साइन जो है वो आप सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन में यूज़ करोगे। सो लेट सी सम एग्ज़ाम्पल्स। फर्स्ट जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, इट्स अ हॉरिजेंटल फॉर्म। ये आप हॉरिजेंटल फॉर्म में राइट किया हुआ क्वेश्चन आपके पास। वी हैव 5 माइनस 3, आपने 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जैसे कि 5 लेडी बर्ड्स हैं, ठीक है, देर आर 5 लेडी बर्ड्स और 3 उसमें से लेडी बर्ड्स फ्लाई अवे हो जाती हैं, ठीक है, उड़ जाती हैं वो, तो हाउ मैनी लेफ्ट, कितनी लेडी बर्ड्स पीछे रह जाएंगी? 2। यानी 5 में से 3 जब आपने निकाल लिए तो आपके पास 2 रह जाएंगे। अब आप इसको अपने हैंड्स पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, नंबर्स को किस तरह हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसमें ग्रेटर नंबर 5 है, यू विल टेक आउट 5, आप अपनी 5 फिंगर्स ले लें और 3 उसमें से क्लोज कर दें, तो आपके पास कितने बच जाएंगे? 2। सो यू विल राइट हेयर 2। नेक्स्ट आपके पास हॉरिजेंटल फॉर्म में एक क्वेश्चन है जो कि 3 डिजिट्स आपको नज़र आ रहे हैं, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस प्लेस। देन आपने सब्ट्रैक्ट करना है 20 को, ठीक है, वंस एंड टेंस मीन्स 2 डिजिट्स यहाँ पे आपके पास गिवन है। अब आप इजी ये वे यही होता है कि आप वंस को वंस में से सब्ट्रैक्ट कर लें और टेंस को टेंस में से सब्ट्रैक्ट कर लें, क्योंकि 463 वेरी ग्रेटर नंबर जो कि आप लोग इस तरह माइनस नहीं कर सकते। अब फर्स्ट आपने सॉल्व करना है वंस प्लेस को, 3 में से आपने माइनस करना है 0। सो यू विल टेक आउट 3 फिंगर्स, आप अपनी 3 फिंगर्स ले लें। अब 0 मीन्स नथिंग, 0 तो कुछ भी नहीं होता ना, इट मीन्स कि आप कोई फिंगर क्लोज नहीं करोगे। सो यू हैव, कितने आपके पास बच जाएंगे? 3। अब आपने इसको राइट साइड से स्टार्ट करना है, नंबर को लिखना, यानी वंस प्लेस पे ही ये नंबर आना चाहिए। नेक्स्ट आपने टेंस प्लेस को देखना है, 6 में से 2 माइनस करने हैं, यानी आपके पास कितने बच जाएंगे। अब यू विल टेक आउट 6 फिंगर्स, आप अपनी 6 फिंगर्स ले लें और उसमें से आप 2 क्लोज कर दें, ठीक है, तो कितनी बच जाएंगी? 1 2 3 4, यानी आपके पास 4 फिंगर्स बच जाएंगी। सो हंड्रेड्स प्लेस आपके पास जस्ट 1 डिजिट है, 4, तो 4 आप लोग यहाँ पे ऐसे ही राइट कर दोगे। नाउ वी हैव अनदर वे, इट्स अ वर्टिकल फॉर्म। यानी आपके पास प्लेस वैल्यू गिवन, प्लेस वैल्यू होती है, आप नंबर्स को, डिजिट्स को प्लेस वैल्यू पे राइट करते हो। अब इन दिस वर्टिकल फॉर्म डियर स्टूडेंट्स, वी ऑलवेज स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग इन द वंस प्लेस, ठीक है, हम वंस प्लेस से अपनी सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। एंड देयर इज़ नो रीग्रुपिंग इफ़ द टॉप नंबर इज़ ग्रेटर दैन बॉटम नंबर। यानी जब आपने वंस प्लेस से सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करनी है और अगर आपका टॉप नंबर ग्रेटर होगा बॉटम नंबर से, तो आप रीग्रुप नहीं करोगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, वंस प्लेस पे नंबर है 5 एंड 3, यू विल टेक आउट 5 फिंगर्स, आप अपनी 5 फिंगर्स ले लें और 3 क्लोज कर लें, तो कितनी बच जाएंगी? 2। सो वंस प्लेस पे आप क्या लिख दोगे? 2। इसी तरह आपने टेंस प्लेस को माइनस करना है, 4 माइनस 2। अब टॉप नंबर 4 है और बॉटम नंबर 2, इट मीन्स कि ग्रेटर है ना, 4 में से आपने 2 माइनस करने हैं, 2 फिंगर्स क्लोज कर लें तो यू हैव ओनली 2 आर रिमेनिंग, यानी आपके पास 2 बच जाती हैं। इसी तरह आपके पास 3 डिजिट नंबर्स की सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, उसमें 100 प्लेस, 10 प्लेस एंड 1 प्लेस है। 463 में से आपने माइनस करने हैं 232, 1 प्लेस से स्टार्ट होगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, यू विल टेक आउट 3 फिंगर्स, 2 क्लोज कर लें और 1 आपके पास लेफ्ट है। इसी तरह 6 माइनस 3, यू विल टेक आउट 6 फिंगर्स एंड 3 विल बी क्लोज, सो यू हैव 1 2 3 फिंगर्स आपके पास बच जाती हैं। एंड 100 प्लेस 4 माइनस 2, अगेन योर आंसर इज़ 2। आई होप यू कैन डू ईजीली नाउ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।